पीछे हटिए ताकि सबको दिखे। प्रणाम प्रणाम सबको। मंच पर उपस्थित आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे और आपके सबके चहेते गुदड़ी के लाल जो 40 साल से झुग्गी झोपड़ी में रहे हैं, ऐसे हमारे विजय भगत जी आपके प्रत्याशी। मंच पर उपस्थित आप सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, सभी मोर्चा के अधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता बंधु, यहाँ उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, हमारी माताएं बहनें और आप सभी भारत माता के सपूतों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ आप सभी को चरण स्पर्श करता हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के बीच में आपसे निवेदन करने, आपसे आग्रह करने, विनती करने, क्योंकि जब मैं दिल्ली में आया और दिल्ली में जब ये मैं पोस्टर देखता हूं तो मैं बहुत हंसता हूं। अच्छे बीते 5 साल, ये केजरीवाल जी का जो पोस्टर है ये देख के बड़ी हंसी आती है। एक तरफ तो केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी हमको काम ही नहीं करने देते हैं। ए भैया, जब तो के कमोवे ना करे देने तो 5 साल कैसे अच्छा बीते। इतना झूठा आदमी कहीं देखने वालों, जब आपको काम ही नहीं करने दिए मोदी जी तो आपका 5 साल अच्छा कैसे बीता। और कहीं कहीं बैनर ये भी है, जैसे ये अच्छे बीते 5 साल, वैसे कहीं कहीं है अच्छे बीतेंगे 5 साल। तो जब 5 साल मोदी जी थे आपको काम नहीं करने दिए, तो आवे वाला फिर 5 साल तो मोदी जी हो तो कैसे काम करवा दो है? अभी भी तो केंद्र में मोदी जी है ना, और मोदी जी ही रहेंगे, क्योंकि मोदी जी वो भारत माता के सपूत है, जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी, आपने हवा हवाई वादे बहुत किए और हमारी जनता ने उस प्रलोभन में आकर के आपको चुना, आप पे विश्वास दिखाया कि शायद जो आप बातें कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे, लेकिन आप पूरी तरह फेल हो गए। तो अब मैं आप लोगों को यह भरोसा देने आया हूं, आप लोगों से ये बात करने आया हूं कि हमें ऐसी सरकार चाहिए, हमें ऐसे पार्टी की सरकार चाहिए जो बात कहे उस पर खरी उतरे। एक समय था जब कश्मीर में हमारे देश की शान तिरंगा झंडा को आतंकवादी अपमानित करते थे, अलगाववादी अपमानित करते थे, पैर के नीचे कुचलते थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता सावधान रहिए, वहां भी कोई केजरीवाल जी की पार्टी का है क्या बंद कर दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी का नाम सुन के ही सभी विपक्षी दल को बुखार आ जाता है, क्योंकि एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने नेतागिरी का पूरी परिभाषा को ही बदल दिया है। एक समय था जब मैं भी ये बात कहता था कि होते चुनाव फिर आएगा नेताजी, अब बन के बहु रुपया दिखाएगा नेताजी। पर उस पूरे समीकरण को अगर किसी ने चेंज किया, नेतागिरी के मतलब को बदला, राजनीतिक पार्टियों के लिए सम्मान लाया, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया, जो कहा वो करके दिखाया। मैं जो कहना चाह रहा था, कश्मीर में एक समय था जब हमारे देश की शान तिरंगा झंडा को अपमानित करते थे, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी
370 धारा कश्मीर से हटा दिया जाएगा। और किसी में इतनी ताकत नहीं थी, किसी में इतना दम नहीं था, क्योंकि यहां लोग राजनीति कैसी करते हैं, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ये करूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, ये करूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मेरे भारत माता का सपूत श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, खुश रहो, नाराज रहो, अच्छा लगे बुरा लगे, भारत की श्वान तिरंगा कश्मीर के आकाश की बुलंदी में फहराएंगे। और अगर वादा किया तो उन्होंने करके दिखाया। जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने आपसे किया था, एक एक करके निभाया है। तो आज मैं ये बात करने के लिए आया हूं भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि आज जरूरत है हम सबको समझने की। एक तरफ ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं। अभी जब शरणार्थियों को हमारे हिंदुस्तान ने अंदर नागरिकता देने का कानून आया, तो ये भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। अरे जब सीधे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, गृह मंत्री जी ने कह दिया, कानून मंत्री जी ने कह दिया, किसी ये जो कानून है वो किसी हिंदुस्तानी पे लागू नहीं होता है, ये शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए आया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं आया है। इसके बाद किस बात का विरोध कर रहे हो? क्या चाहते हो? इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हो? तुम्हारी औकात है? इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले लोग बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिवराज चौहान जी का जोरदार ताली से एक बार स्वागत कर दीजिए। आपने आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है सर। और मंच में विराजमान हो चुके हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो उनको भी आप सुनेंगे। हाँ, एक बार स्थान ग्रहण कर लेने दीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, औकात है किसी की, हिम्मत है किसी की? इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हो तो तुम्हें ये पता नहीं है। आज मैं बताता हूं तुमको, देश भक्तों के लोग में क्रांति की प्रणाली है। अगर तुम इस देश के विरोध में बात करते हो तो तुम्हें पता नहीं है कि इस देश के हित में, इस देश की शान में, इस देश की एकता और अखंडता के लिए बात करने वाले देशभक्तों की कमी नहीं है। आप देशभक्त हैं? हाथ उठा के बताइए आप सभी लोग। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देश भक्तों के लहू में क्रांति की रवानी है, देश भक्तों के लहू में क्रांति की रवानी है, मोदी जी के साथ खड़ा निरहुआ हिंदुस्तानी। इस देश में जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही जैन का है। हर किसी का ये हिंदुस्तान है। और जो अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और मैं जानता हूं कि आप सब अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग हाथ उठाकर हमारे विजय चौहान भैया को अपना आशीर्वाद दीजिए। सबका हाथ उठना चाहिए भैया, माताएं बहने सब लोग हाथ उठा के आशीर्वाद देंगे और इनको इतने भारी मतों से जिताएंगे कि आने वाले समय में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जैसे लोकसभा में आपने प्रचंड बहुमत दिया, लोकसभा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था 6 महीने में ही उसकी झलक आपने देख लिया है। एक एक करके वादा पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पार्टी है जो वादा करती है उसे निभाती है। हमारे
मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। अगर उन्होंने वादा किया है जहां झुकी वही मकान, तो ये वादा हवा हवाई वादा नहीं है, ये केजरीवाल जी का वादा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है, भारतीय जनता पार्टी का वादा है। और ये वादा आप देखेंगे कैसे पूरा होता है, बस आप अपनी ताकत अपना पावर दिखा दीजिए, जो आपने दिखाया था लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा में भी 8 तारीख को जब आप जाएंगे बूथ पे, तो हमारे विजय चौहान जी को, विजय भगत जी और इनके जो भतीजा है उदय भगत जी, वो हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं। आइए भैया आप भी मंच पे, और आप लोग जितना पोस्टर देखते हैं, जितनी मेरे बारे में न्यूज पढ़ते हैं, वो सब उदय भगत जी लिखते हैं, तो एक बार उदय भगत जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। उदय भगत जी हमारे विजय भगत जी के भतीजा हैं। तो मैं अपने दोस्त के नाते भी, मित्र के नाते भी आपसे निवेदन करता हूं कि भैया आप लोग 8 तारीख को जब जाइएगा तो बल्कि मन करे तो गाते हुए जाइएगा, तो उन लोग की भोजपुरी आ गए, केकरे केकरे भोजपुरी समझ में आवे, हाथ सबके समझ में आवे। अरे यार, तो जब आप लोग भोजपुरिया लोग हैं, पूर्वांचल के शेर हैं, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, दो लाइन में काम हो जाएगा कि भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बत्तियों के बाई बत्तियों हम जगावे गावे हल्ला है, जेना गरीब संग करे इंसाफ हो, हे भैया रही ले हम करे खिलाफ हो, तब चाहे जान जाए चाहे प्राण जाए, नहीं बढ़ल कदम पिछू वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। निरहुआ रिक्शा वाला, आज आप लोग से यह प्रार्थना करतवा, विनती करतवा कि आप लोग इतना देर इतना प्यार से शांति से हमके सुनना लो, इतना आशीर्वाद प्यार जला लो, एक खातिर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और एक बार फिर से हम वह आग्रह विनती करब आप लोग से कि 8 तारीख के भैया लोग भैया बूथ पे जाके कमल के निशान वाला बटन दबा के, कौन निशान, एक बार सब क्यों बोली, कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान का बटन दबा के, और विजय भगत जी के आप लोग अपन पूरा आशीर्वाद प्यार दे दिया, आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।